अस्सलामवालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे क्या हो गया इन लोगों को, उड़ती हुई मुर्गी आ रही भाई, परेशान हो गई हैं। तो यार आप लोग दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया और आप लोग कह रहे भाई क्या मुर्गा नसली लेके आए हो। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो और काफ़ी भाई मुझे कहते हैं यार वीडियो की क्वालिटी ठीक करो, तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं इसमें, शायद आप लोगों को थोड़ी क्वालिटी ठीक देखने को मिले। ठीक है, और बाकी मेरा आप लोगों को पता है यार मोबाइल जो है वो ख़राब हो चुका है, जिससे मैं ब्लॉगिंग करता था, वो आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगा ताकि आप लोगों को भी कन्फर्म हो जाए। तो आके मुझे दोस्तों एक बड़ी हैवी किस्म की न्यूज़ मिली है कि भाई हमारी ये वाली मुर्गी ना दोस्तों कुड़क हो गई है। ये देखें भाई, ये मुझे लगता है दोस्तों कुड़क बैठी है इसके। मैं पास गया ना, जब इसने भाई पर फुला लिया अपने और फुल जो है ना चीख रही है ज़ोर ज़ोर से। कल जब दोस्तों मैं घर आया था ना, तो ये वाला जो हमारा जहरी है ना, ये भी इसी तरीके से वहीं पे बैठा हुआ था, क्योंकि मुर्गी ने अभी कुड़क होना था, इसलिए मुझे लगता है इसने उठा लिया। इसको भी मैंने हाथ लगाने की कोशिश की ना, ये भी भाई कुड़क होकर बैठ गया था, उस मुर्गी ने इसको उठा दिया। मतलब जहरी भी इस टाइम कुड़क है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, अंदर चलते हैं दोस्तों, और इसकी आवाज़ भी आप लोगों को मैं सुना देता हूँ, जिससे आप लोगों को पता हो चल जाएगा कि भाई ये कुड़क है। एक मिनट, मैं अंदर ही चला जाता हूँ, क्योंकि फिंच भी आई हुई है, इसको भी मैंने इधर छोड़ना है। अरे भाई, अरे फंस गया भाई, ओए बड़ी मुश्किल से दोस्तों अंदर आया हूँ। तो फिंच दोस्तों आई हुई है, इसको बाद में देखेंगे। मैं तो खुश हुई हो रही है भाई, मानी मुर्गी कुड़क होगी यार। हाँ जी, की हाल चाल है? ठीक हो ना? दादा पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता, मैं तेन पाड़ के रख देंगा, तेन मैं पुत्र फना कर देंगा, बंदे का पुत्र बन। देख रहे दोस्तों, माशाल्लाह से यार हमारी मुर्गी ना कुड़क हो गई है। मेरा दिल कर रहा है यार हम इसी को कुड़क बिठाएं, क्योंकि आप लोग भी कह रहे भाई काजल सिटिंग ऑन एग्स। क्या बोला तूने? मेरा दिल कर रहा है यार हम इसी को कुड़क बिठाएं। ए, पहले क्या बोला? क्योंकि आप लोग भी कह रहे भाई काजल सिटिंग ऑन एग्स। चल चल, अच्छा कितने अंडे हैं भाई तुम्हारे नीचे, बता तो दो कितने अंडे हैं। तो भाई इसके नीचे है पूरा का पूरा एक अंडा, बस एक अंडे पे बैठी हुई है यार। चलो चलो बैठी लो बैठी लो बैठी लो बैठी लो बैठी लो बैठी लो बैठी लो। ओए तोड़ तो नहीं दिया भाई? नहीं ठीक है, एक ही अंडे पे बैठी दोस्तों, कुड़क हुई भी। और ये देखें भाई हमारे पास पूरे के पूरे दोस्तों तीन अंडे हैं, सिर्फ एक ये वाला अंडा है और दो अंडे और हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम इसको कुड़क पर बैठाएं या ना बैठाएं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दोस्तों तीन अंडे हैं। आप लोग क्या कहते हैं, तीन अंडों पर बैठा दें या ना बैठाएं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। ये फिंच एक आ गई यहाँ पे, इसको मैं जल्दी से ना छोड़ दूँ, एवरी के अंदर भी मिलते हैं। फिंच जा आ चुकी है भाई उस वाले केज के अंदर। तो पिछली वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैंने कहा था कि यार हमने कुम्भनों का नेस्ट बनाएंगे, तो मैंने वो लगा दिया था कल को ही। ठीक है, वो मैंने कहाँ लगाया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें इस वाले केज के अंदर ना, मैंने वहाँ पर इसको रख दिया था। ये देखें भाई, ये रखा हुआ है यहाँ पे। तो पता नहीं अब यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे, शायद डायमंड हाउस ना वहाँ देते हैं, लेकिन यार कुम्भरे हमारे ना यहाँ पे आके नेस्ट बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप लोगों को दोस्तों थंबनेल टाइटल से तो पता लग गया होगा, जी हाँ दोस्तों हमें एक बच्चा मिला है, और वो बच्चा जो है ना आप लोगों को उसकी डिटेल बता दूँ क्या हुआ मेरे साथ। तो इसको मैं सोच रहा हूँ अभी बैठे रहने देते हैं एक ही अंडे पे, आप लोगों के कमेंट जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं इसको कुड़क पे नहीं बिठाऊंगा। इसको मैंने बंद कर दिया, मैं बैंटे को खोल दूँ ताकि ये भी थोड़ा सा धूप ले लें। यार हमारी दोस्तों बैंटम मुर्गी ने सिर्फ एक ही अंडा दिया यार, उसके बाद इसने अंडे नहीं दिए कोई। अजीब है यार, चलो भाई बाहर आ जाओ। तो आप लोगों को दोस्तों बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। कल को यार मुझे एक बच्चा मिला, जिसकी तस्वीर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ये मुझे नहीं पता था किस चीज़ का बच्चा है, फिर मैंने इसकी सर्च की, उसके बाद मुझे पता चला यार ह्यूमिंग बर्ड या भैया जो होता है छोटी चिड़िया, उसका बच्चा है। इसकी मैंने फीड वगैरह खिलाई, उसके बाद ये सो गया था। तो फिर दोस्तों मैंने क्या किया, इसको रख दिया था इनक्यूबेटर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे इसको हीट मिल रही थी। मौसम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कल ज़्यादा ठंड थी, तो इसलिए मैंने इनक्यूबेटर के अंदर उसको छोड़ दिया था। तो वो उसके बाद दोस्तों जब मैंने इसको बाहर निकाला, तब भी बिल्कुल माशाल्लाह ठीक था। रात को भी मैंने इसको चेक किया, ये मतलब ठीक था। जब यार मैं सुबह उठा ना, तब इसको मैंने जाके देखा यार इसकी दोस्तों बेचारे की डेथ हुई हुई थी। और मुझे काफी अफसोस हुआ कि यार इसकी डेथ पता नहीं क्यों हुई। जो है ना ये भी लग रहा है कि इनक्यूबेटर में रख दिया शायद इसे, लेकिन इस तरह नहीं कहते नहीं, क्योंकि मैंने YouTube पे भी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, लोग क्या करते हैं इस तरह ही बड़े बड़े चिड़िया के बच्चे इनक्यूबेटर में रख देते हैं। एक किस्म का यार ब्रूडर ही है वो, बिल्कुल ठीक रह रहा था, चार पाँच घंटे तक जिंदा था, उसके बाद मतलब पता नहीं क्या हुआ उसको, छोटा सा था बिल्कुल, वो मर गया। पता नहीं वो सीरियल दोस्तों मैंने उसको खिला रहा था, वो पता नहीं उससे फीड भी अच्छी तरीके से कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों यार वो मर गया। कमेंट बॉक्स में आप लोग बाकी लाजमी बताइएगा कि यार ये किस चीज़ का बच्चा था, मुझे अभी तक नहीं पता चला। उस बेचारे की डेथ हो चुकी है, काफ़ी अफसोस है मुझे। मुझे देख के दोस्तों सारे डब्स ना माशाल्लाह नीचे आ गए कि भाई दाना डाल दो, मुझे लगता है इनको भूख लगी तो जल्दी से इनको जाके ना हम
आज स्पेशल इनके लिए डाइट लेके आया, मैं आप लोगों को बताता हूँ इनके लिए। भाई मैं राइस लेके आया हूँ, रोटी लेके आया हूँ, कल भी मैंने डाली बड़े शौक से खाई थी। अपने बच्चों को खिलाएंगे ना तो भाई अच्छा हो जाएगा। मैं दोस्तों सोच रहा हूँ कि यार हम लोग क्या करते हैं, इस मुर्गी को ना अकेले इस केज के अंदर रहने दे, ताकि ये ना पक्की यहाँ पे कूड़क हो जाए, ताकि हम इसको अंडों पे बिठा सकें। तो बाकी जो जहरी ब्लैकी और पैंथर ना, हम इसको इस वाले केज के अंदर छोड़ देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल खाली है यहाँ पे, मतलब कोई परिंदा वगैरह नहीं है। तो इसको हम इनको यहाँ पे छोड़ देंगे, इस मुर्गी को ना हम अकेले रखें ताकि कूड़क हो जाए। अगर जहरी ने कूड़क होना हुआ तो वो इस केज के अंदर हो जाएगा। इसकी मैं जगह वगैरह देखता हूँ, अगर यहाँ पे बनाता हूँ तो फिर वहीं पे अगर अंडे देगा तो अल्लाह करके यार 5-6 अंडे इकट्ठे हो जाएँ तो हम फिर अच्छा हो जाएगा। यार 3 अंडों पर क्या मैं मुर्गी बिठाऊंगा। तो अभी मैं ये खुराक खा रही, इसका मैं केज बंद कर देता हूँ ताकि पैंथर अंदर ना जा सके, और इसको हम अकेले रखते हैं आज। माशाल्लाह से दोस्तों हमारी डव्स देखें यार, कितने शौक से चावल खा रही हैं। यहाँ पे भी मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, और सारी फिंचेस वगैरह भी नीचे आ जाएंगी। मुर्गी दोस्तों वापस जाके ना अंडे के ऊपर बैठ चुकी है, तो मुझे डर है कि यार इसका अंडा टूट ना जाए। तो अभी हम क्या करते हैं, आगे वाली जो फालतू इन्होंने नेस्ट बनाया हुआ ना, वहाँ से नेस्टिंग मटेरियल उठाते हैं और उस मुर्गी के नीचे रख देते हैं, ताकि अंडा के जो है ना क्रैक ना आ सके। तो इस तरीके का कोई सीन करते हैं, ठीक है, ताकि अंडा ना टूटे और मुर्गी जो है ना पक्की कुड़क हो जाए। तो जहरी भी दोस्तों माशाल्लाह से भाई पूरा का पूरा वो हो चुका है, मुर्गी बन गया है, बस इसका इंतज़ार है, बस जल्दी जल्दी ये भी कुड़क हो जाए, अंडे देना शुरू कर देगी, फिर मज़ा आ जाएगा भाई। तो ओए उस केज के अंदर दोस्तों एक वो देखें तितली फंस गई है भाई, ये देखें ये उठ रही है, खैर वो आ गई, खुद बाहर आ गई है। तो चले वो काम करते हैं जल्दी से। तो नेस्टिंग मटेरियल भी दोस्तों मैंने रख दिया है, मुर्गी देखे अंदर जाके बैठ रही है, तो इसको मैं जाने देता हूँ। अब हम क्या करते हैं भाई, जहरी का ना वहाँ पे कोई घोंसला वगैरह देखते हैं, ताकि जहाँ पे अंडा दे सके जहरी। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। यार कल का अंडा दोस्तों ये पड़ा वो मैंने उठाया नहीं था यार, आज मतलब किसी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, शायद मुझे लगता है इन्होंने अंडे देना बंद कर दिए हैं, क्योंकि अब ये कूड़क हो गए हैं ना इसलिए। ये देखें भाई मुर्गी दोस्तों हमारी जा रही है अंदर, ये देखें तो इसको जाने देते हैं, इसको लगा देते हैं भाई हम ताला यहाँ से। चलो भाई सुकून से रहो, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, यहाँ से कोई पेटी शेटी उठा के ना इधर रखता हूँ। अरे भाई ये मिल गई ना हमें हैवी किस्म की चीज़, ये देखें ये बाली दोस्तों टूट गई, इसमें पानी लेके आता था मैं, तो यही मैं रख देता हूँ अंदर और इसके आगे ईंटे शीटे लगा देते हैं। तो भाई इसका भी घोंसला दोस्तों मैंने बना दिया है, इंशाल्लाह यहीं पर अब जहरी अंडे देगा। तो चलें यार यहाँ से अब दोस्तों बाहर चलते हैं। तो ये लोग दोस्तों आगे सारे यहाँ पर, और हमारी मुर्गी बैठ चुकी है भाई अंडे के ऊपर यहाँ पर, ये देखें। तो बाकी कमेंट्स में बताइएगा, अगर जहरी ने 200 और अंडे दे दिया, इस मुर्गी ने और अंडे दे दिया ना, तो हम बिठा देंगे भाई इनको। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यार हम 3 अंडों पे बिठा दें मुर्गी को या ना बिठाएं। अगर हम बिठा देते हैं दोस्तों, जो इनक्यूबेटर से बच्चे निकलेंगे ना, हमें एक फ़ायदा हो जाएगा कि वो हम रख देंगे अपनी मुर्गी के नीचे, ताकि वो उन बच्चों को संभालें। तो कह रही थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा यार वो जो बच्चा मैंने पकड़ा था वो किस चीज़ का था, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। खैर अल्लाह, पता नहीं फिंचेस यार हमारे फिंचेस के बच्चों को फीड करवा रही हैं या नहीं करवा रही, मुझे बस इनकी टेंशन लगी हुई है, अल्लाह करके बस पल जाएं। कल आके देखेंगे कि अगर तो इन्होंने फीड ना करवाई, फिर हम इनको हैंड टाइम पे उठा लेंगे सारे बच्चों।